हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीके अल्टेगरी। कैसे हो आप सभी? तो देखिए फ्रेंड, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, जिसे आप एम्स के नाम से भी जानते हैं, तो बहुत दिनों से ऐसे बच्चों के कमेंट मुझे देखने को मिल रहे हैं कि सर एम्स करी 2024 का न्यू नोटिफिकेशन इस 2024 में आएगा या नहीं आएगा, यदि आएगा तो कब तक आएगा, और हॉस्पिटल अटेंडेंट न्यू वैकेंसी को लेकर भी बहुत से कैंडिडेटों के मुझे कमेंट देखने को मिल रहे हैं कि सर जो हॉस्पिटल अटेंडेंट की न्यू वैकेंसी है इस 2024 में, वो आएगी या नहीं आएगी। तो देखिए फ्रेंड, आपके एम्स करी के न्यू नोटिफिकेशन से रिलेटेड और हॉस्पिटल अटेंडेंट की न्यू वैकेंसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी जो बिग अपडेट है वो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ फ्रेंड। हाँ फ्रेंड, जैसा कि आप जानने को बहुत दिनों से इच्छुक थे कि एम्स करी का न्यू नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा, हॉस्पिटल अटेंडेंट की न्यू वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, तो इन दोनों यानी एम्स करी न्यू नोटिफिकेशन को लेकर और आपकी हॉस्पिटल अटेंडेंट न्यू वैकेंसी को लेकर जो है एक बहुत बड़ी बिग अपडेट मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ फ्रेंड। और आपको बताना चाहूँगा कि बहुत जल्द आपकी वैकेंसी आने वाली है, तो इंतज़ार किस बात का, आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर इनकमिंग अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आपसे मिस ना हो। तो आइए फ्रेंड, जानते हैं कि कब तक आपका एम्स करी का जो न्यू नोटिफिकेशन है 2024 का, वो कब तक आपका आ सकता है और कब तक आपकी हॉस्पिटल अटेंडेंट की न्यू वैकेंसी आ सकती है, तो आइए जानते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, छोटी सी अपडेट कह लीजिए आप इसको, तो एम्स के द्वारा जो है बहुत से एम्स से जो है ये जानकारी मांगी जा रही है कि आपके एम्स में कितनी वैकेंसी खाली हैं, चाहे हॉस्पिटल अटेंडेंट की बात हो चाहे क्लर्क की बात हो। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि 2023 में जो करी का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें जो है आपको तरह तरह की वैकेंसी देखने को मिली थी, तो अब की बार भी आपकी जो है कई तरह की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। बात करूँ आपके नोटिफिकेशन की फ्रेंड, तो जिस तरह से जो है अब जो है प्रक्रिया तेज़ हुई है आपकी वैकेंसी को लेकर, तो करी का जो नोटिफिकेशन है फ्रेंड वो आपको सितंबर में, हाँ फ्रेंड, अगस्त के लास्ट वीक या फिर सितंबर में आपको कभी भी देखने को मिल सकता है, यदि कोई टेक्निकल इशू नहीं होता है। तो बात करूँ एग्ज़ाम की, यदि आपका सितंबर में नोटिफिकेशन जारी होता है तो एग्ज़ाम भी आपका जो है अक्टूबर के मिड वीक में या फिर जो अक्टूबर के लास्ट वीक या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक तक एग्ज़ाम भी आपका हो जाएगा फ्रेंड, यदि आपका नोटिफिकेशन सितंबर में देखने को मिलता है। तो फ्रेंड, अब प्रक्रिया जो है तेज़ हो चुकी है, यानी कि इससे ये साबित होता है कि आपका एम्स करी 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो आने वाला है और हॉस्पिटल अटेंडेंट की वैकेंसी भी आपका आपकी एम्स करी के द्वारा ही जो है जारी होने वाली है। इसलिए जो है मंगलगिरी एम्स का जो ऑनलाइन फॉर्म जो है अप्लाई होना था वो अभी तक उसका लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, क्योंकि आपकी वैकेंसी जो है एम्स करी के द्वारा आने वाली है। तो फ्रेंड, आपको जानकर बहुत खुशी हुई होगी कि अब जो है आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, क्योंकि जो यदि कोई टेक्निकल इश्यू नहीं होता है तो अगस्त के लास्ट वीक या फिर सितंबर में आपका नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है, और जब भी आपका नोटिफिकेशन जारी होगा एम्स करी का तो उसी टाइम आपको अपडेट कर दिया जाएगा फ्रेंड। इसलिए आपको बार बार बोला जाता है कि आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड, क्या कुछ जो है कितनी वैकेंसी, किस तरह की वैकेंसी जो है अब की बार आने वाली है और कितनी वैकेंसी आ सकती है, इसकी अपडेट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाली है, तो आप वेट कीजिएगा उस वीडियो का। तो मिलते हैं एक बिग अपडेट के साथ, एक न्यू अपडेट के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।